देख रहे हैं न्यूज़ लाइट, मैं प्रगति आपके साथ। चलिए आज हम आपको आयान से मिलवाते हैं, जिसे देखकर शायद आप सबका मन प्रसन्न होकर झूमने लगेगा। आयान जो कितना क्यूट सा बच्चा है, जैसा कि आप सब वीडियो में देख सकते हैं कि आयान अपने सारे दुख दर्द को भूलकर कितना प्यारा सा स्माइल दे रहा है। इसे देखकर जरा सा भी नहीं लग रहा है कि ये बच्चा इतनी बड़ी दुर्लभ बीमारी से ग्रसित है, लेकिन उसकी हंसी के पीछे इतनी बड़ी दुर्लभ बीमारी छुपी है, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। बीमारी में क्या होता है? बोलो हाय 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 हाय, बोले तो बाबू इंटेलिजेंसी पे कोई असर नहीं करता है, बुद्धि पे असर नहीं करेगा, शरीर से लचार है। आप ये वीडियो देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आयांश के पिता कितने भावुक हैं, और इसी उम्मीद में बैठे हैं कि सरकार और बाकी लोग आयांश को ठीक करने में उनकी मदद करेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि आयांश के नाना भी आयांश से मिलने आए हैं, उसे देखने आए हैं, और आयांश के नाना जी को भी कहीं ना कहीं यही डर लगा है कि आयांश को इतनी बड़ी दुर्लभ बीमारी से कैसे निकाला जाए। वो भी यही चिंता में डूबे हुए हैं कि कैसे भी 16 करोड़ रुपये पूरे हो जाएं और उनका आयांश जल्दी से ठीक हो जाए। पटना का आयांश, जिसे स्पाइनल मस्कुलर अट्रॉफी टाइप 1 की दुर्लभ बीमारी है, और इसका इलाज संभव है अगर उसे 16 करोड़ का इंजेक्शन लगाया जाए तो। इस प्यारे से बच्चे का तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आयांश के पिता आलोक सिंह आयांश की जिंदगी बचाने के लिए मदद की राशि इस अकाउंट में भेजने को बोले हैं। हम आपको स्क्रीन पर सारा डिटेल्स दिखा रहे हैं। अब सबसे हमारी विनती है कि जितना संभव हो सके उतना सहयोग करें। इस बात को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने भी रखा गया कि आयांश इतनी बड़ी दुर्लभ बीमारी से ग्रसित है, और उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की जानकारी है। खराब है उसकी, उसको 16 करोड़ रुपए का टीका लगना है, क्या सरकार इस बार सुने अब आप तो समझ ही सकते हैं इसके बारे में। तो सब लोग सहायता कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, हम लोग भी कह रहे हैं मदद करिए, लेकिन सरकार की कोई स्कीम, आप जानते हैं कि हम लोग मैक्सिमम मदद देने का जो स्कीम बनाए हुए हैं सबको मालूम है। तो ये सब लोग अपने अपने ढंग से सहयोग करेंगे, चाहे कितनी बड़ी राशि की आवश्यकता, तो इसलिए उस स्थिति में तो सब लोग चारों तरफ से कह रहे हैं थोड़ा थोड़ा सब लोग मदद करेंगे तो बच्चे के लिए कुछ हो सकता है फायदा। ये मंडल कमीशन के कई रिकमेंडेशन थे, एक महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन रिजर्वेशन, वो तो लागू हुआ 90 के दशक में। अब मांग उठ रही है कि बाकी जो रिकमेंडेशन है उसको भी लागू किया जाए, इसके लिए प्रयास हो रहा है, मांग उठ रही है। ये तो गवर्नमेंट का काम है, वो देखें, लेकिन जो उसके अंतर्गत जो मुख्य चीज़ थी रिजर्वेशन का, वो तो हुआ, लेकिन इसके अलावा और जो कुछ भी करना है गरीब गुरबा तबकों के लिए, उसके उत्थान के लिए जो कुछ भी करना है, तो उसको तो देखने वाली बात है। और जहाँ तक देख लीजिए राज्य में हम लोगों ने कितना ज़्यादा सुविधा दी है सबको, आप देख रहे हैं ना कि बिहार में हम लोगों को जब से बिहार की जनता ने मौका दिया है तो किस तरह से हम महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, अति पिछड़े वर्ग के लिए विशेष तौर पर कितनी योजना, काम सबके लिए करते हैं लेकिन इन लोगों के लिए विशेष योजना। तो आपने सुना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का क्या कहना है। इस बच्चे की जब आप तस्वीर देखते होंगे तब आपके मन में जरूर इस बात को लेकर सवाल उठते होंगे कि इतने कम उम्र में आयांश इतनी बड़ी दुर्लभ बीमारी से जूझ रहा है, जो कि आयांश महज 9 महीने का बच्चा है और उसे स्पाइनल मस्कुलर अट्रॉफी टाइप 1 दुर्लभ बीमारी ने जकड़ लिया है। पूरे देश की अगर आंकड़ा उठा कर देखें तो करीब 2 या 3 लोगों को ही ऐसी बीमारी होती है, लेकिन पटना के आयांश को हमारी ज़रूरत है और हमारा यह दायित्व बनता है कि हमसे जितना हो सके आयांश की मदद करें। आयांश की मदद के लिए कई ऐसे नेता हैं जो सामने निकल कर आए हैं, जैसे कि मुकेश साहनी खुद गए उनके आवाज़ पे, रामकृपाल यादव पाटलिपुत्रा के सांसद, इसके अलावा भी तेज प्रताप यादव उनके आवाज़ पर खुद गए, सभी ने उनको हर संभव मदद की है। लोजपा के सांसद हैं चंदन सिंह, वो भी पहुँचे तो उन्होंने भी मदद की है,
और मैं बात करूं भोजपुरी स्टार की तो पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, अंकुश राजा और इनमें से कई सितारे सामने आए हैं, जैसा कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। भोजपुरी स्टार रोड पर भीख मांगकर आयांश की मदद कर रहे हैं और भी कई सारे सामाजिक संगठन के लोग वहां जा रहे हैं और आयांश की हर संभव मदद कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में मदद मिल भी रही है। बहुत सारे लोग आयांश की मदद कर रहे हैं और अब तक 4 करोड़ रुपये से अधिक राशि जमा भी हो चुकी है। सरकार भी एक सीमा तक ही मदद कर सकती है। कई सारे संगठन के लोग भी उनसे मिलकर आ रहे हैं, तो यही बात निकल कर सामने आ रही है कि और ज़्यादा मदद की ज़रूरत है हमारे प्यारे आयांश को। हम सबको इतनी मदद करनी होगी कि आयांश इस राखी तक जल्दी से ठीक हो जाए और उसकी प्यारी सी बहन अपने छोटे भाई को राखी बांध सके। एक बार फिर से मैं इस बात को रिपीट कर दूं कि आयांश के पिता आलोक सिंह ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आयांश सिंह के नाम से खाता खुलवाया है, जिसका खाता नंबर है 5121176175। IFC कोड है CBIN0282384। और न्यूज़ लाइट टीम आप सबसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ आप लोग से जितना हो पाता है उतना आयांश की मदद कीजिए।